नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु पांडे ब्लॉग्स में। तो भैया जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ मेट्रो स्टेशन यूनिवर्सिटी के पास। मेरा कुछ सामान है, यानी कि बैग पैक हो रखा है। इसका मतलब बिल्कुल ये है कि मैं कहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ वो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो यार सीन ये है कि 4 बजे की ट्रेन है और 4:15 हो चुके हैं और अभी मैं 4 बजे नहीं पहुँच पाया हूँ। ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए। तो भैया जी, अभी का सीन ये है कि हम लोग 4 बजे स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये हमारी टीम खड़ी हुई है यहाँ पे। सभी इधर खड़े हुए हैं, ये लोग, ये पूरी टीम है। ये प्रशांत है और ये धीरज है, सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग अभी भी लेट हैं। तो ये हमारे ऋतुराज सर, ये चंद्रेश सर हैं और ये धीरज हैं। ये हमारे मैनेजर सर हैं प्रमोद सर, और ये हमारी टीम है। अभी कुछ लोग लेट हैं यहाँ पर। लेट है एक्चुअली तो होता क्या कि जब कोई लेट होता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती है, तो हम पेनल्टी भी लेंगे उनसे। आते हैं तो फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। आओ संदीप है, संदीप भाई हमारे और अपने शक्ति जसवाल। तो भैया जी, करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है। हमारा कोच है B1 और B2, अभी उसको ढूंढने का काम चलेगा। विपिन वाली तो खाली रहेगी ना, है यार। अभी हमारा एक साथी आया नहीं है तो उसकी एक सीट खाली है, उसी का पता चल रहा है कि कौन कहाँ क्या बैठेगा। तो अभी ये सीट सबकी मिल गई। विपिन का अपर वाला है 46 सीट, और ये विपिन की 46 सीट है जो आज आए नहीं है। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग गए हैं, हमको लगा टॉयलेट गए हैं। कि हमारी आधी टीम B2 में बैठी हुई है और ये B2 है, और आधी टीम बैठी हुई है B1 में। अभी हम जा रहे हैं B1 में, देखते हैं उन लोग का क्या एडजस्टमेंट हुआ है। अभी चल रहे हैं अंदर। सीट नहीं मिली तुम लोग को? ये और बाकी इन लोगों की भी सीट मिल चुकी है। आधे लोग B2 में, आधे लोग B1 में। तो भाई, ये मम्मी की बनाई हुई सब्जी, और ये पूरी घर में बनी हुई, और ये पनीर की आ चुकी है सब्जी, और ये ब्रजेश भाई के यहाँ से शक्ति भाई और गणेश भाई गौरव भाई लोग बाद में खाएंगे, और हम लोग टाइम हो चुका है खाने का, तो शुरू हो चुके हैं खाना खाने के लिए। अभी फोकस करते हैं खाने पे, मिलते हैं आपको बाद में। अब हम लोग चौपन पहुंच चुके हैं और हम लोग के सब साथी रेडी हैं। चौपन में बिल्कुल रेडी हैं। तो यार फाइनली हम लोग की ट्रेन स्टेशन पहुंच चुकी है चौपन। अभी हम लोग यहां से उतरेंगे, अपना सामान उतार के डेस्टिनेशन पे जाएंगे जहां पे हमें स्टे करना है। तो आइए चलते हैं बाहर और दिखाते हैं मॉर्निंग में बाहर के नज़ारे। अपने गौरव भाई साथ में है। रात में यहाँ पर जो है जवाबी कीर्तन चल रहा था, मतलब ढोलक उलक नहीं लाए थे हम लोग, लेकिन खर्राटों से चल रहा था जवाबी कीर्तन। और इसका निर्णय भी बाद में होगा कि कौन जीता कौन हारा, अभी अंतिम लड़ाई लौटते समय बाकी है। गुड मॉर्निंग चौपन। टीम के कुछ मेंबर पीछे वाली बोगी में बैठे थे, ये लोग भी आ रहे हैं वापस। तो अभी जाएंगे हम लोग यहाँ से स्टेशन से बाहर और थोड़ा चाय वाय पियेंगे और फिर हमें एक गाड़ी आएगी लेने, और उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे।
तो यार सीन ये है कि अभी स्टेशन से निकल के करीब आधा किलोमीटर हमको पैदल जाना पड़ेगा और उसके बाद हमको वहाँ पे बस मिलेगी, तो वॉक कर रहे हैं। लखनऊ के मुकाबले यहाँ ठंड कम है, कोहरा भी नहीं है और 7 बजने से पहले ही सूरज निकल आया है। तो पिछले 1 घंटे से यहाँ पर वेटिंग हो रही है बस के आने की, अभी बस नहीं आ पाई है। यहाँ पे शूटिंग का भी काम चल रहा है, द कैमरा मैन एंड द एक्टर स्टार्ट। इसको बोलते हैं वेटिंग टाइम की मस्ती। वे जब तक बस नहीं आ रही सब लोग सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं, फोटो तो खिंचवा रहे हैं। भैया जी घंटों इंतजार के बाद हमारी बस आ गई है, तो अब चलेंगे बस के अंदर। सर क्या बताएं, करके आए हम लोग। भैया सुनील सर जी बस लेकर आ गए हैं। कुलदीप जी का दोस्त आप ही हैं क्या? नहीं नहीं बस में बैठने के बाद जहां मेरे सभी टीम मेंबर्स आगे हंसी मजाक कर रहे थे, वहां मैं पीछे की सीट पर बैठकर कुछ सोच रहा था कि तभी मुझे निदा फाजली जी की एक गज़ल याद आ गई कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, यही है जिंदगी का कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। तो ये हमारा हॉस्टल है जहां पर हम लोग रुकने वाले हैं। ये रूम है हमारा जहाँ हम लोग स्टे करने वाले हैं। डीलक्स है, सुपर डीलक्स नहीं है। तो भैया ये बर्थडे है जो हम दूर से देख रहे हैं और दूर से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज बर्थडे भाई का बर्थडे है, हमारे पंच जी का।